सब्सक्राइब कीजिए कैरिंग यू ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। और आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ वो तरीका जिससे कि आप मड मास्क अपने चेहरे के लिए घर पर ही बना सकती हैं। और यकीन मानिए कि ये इतना ज़्यादा अमेजिंग है, इतने वंडरफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, इतना जादुई असर ये आपकी स्किन पर करेगा कि फिर आप बार बार इसको अपने स्किन पर यूज करने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। तो इस मड मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए 3 तरह की क्ले, क्योंकि ये बेसिकली एक मड मास्क है तो मेनली इसमें जो इन्ग्रीडियंट होंगे वो भी मड्स ही होंगी। तो 3 तरह की क्लेज मैं इस रेमेडी में यूज कर रही हूँ, जिसमें शामिल है वेंटोनाइट क्ले, कैवलिन क्ले और फुलर्स अर्थ या मुल्तानी मिट्टी। वेंटोनाइट क्ले को हीलिंग क्ले भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। जब भी आपकी स्किन पर यूज की जाती है तो पोर्स को बहुत डीपली क्लीन करती है, जिससे कि आपकी स्किन इंस्टेंटली ब्राइट और टाइट दिखना शुरू होती है। स्किन के पोर्स टाइट होते हैं, चेहरे के दाग धब्बे कम होते हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स का दिखना कम होता है। तो अगर आप अपने स्किन पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम से परेशान है, फिर चाहे वो पिंपल्स का होना हो, ब्लैक हेड्स का होना हो, व्हाइट हेड्स का होना हो, ब्लेमिशेस या किसी भी तरह का पिगमेंटेशन आपकी स्किन पर हो, टू टोन आपकी स्किन दिखती हो, या फिर किसी रीजन से आपकी स्किन टैन हो गई हो, या कोई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने की वजह से रंग काला पड़ गया हो, प्रॉब्लम कोई भी हो, ये मड मास्क हर तरह की प्रॉब्लम पर काम करेगा। और खास तौर पर इसमें जो मैं क्लेज यूज कर रही हूँ वो आपके चेहरे की किसी भी तरह की प्रॉब्लम को खत्म करने में काफी इफेक्टिव होंगी, काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो पहला इंग्रेडिएंट हुआ वेंटोनाइट क्ले। अब जो दूसरी क्ले मैं यूज़ कर रही हूँ ये है कैवलिन क्ले, इसे वाइट क्ले या चाइना क्ले के नाम से भी जानते हैं। और जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है वाइट क्ले, ये स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, स्किन लाइटनिंग इफेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए खासतौर पर वो लोग जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, फिर चाहे रीजन कुछ भी हो, चाहे वो पिंपल्स की वजह से हो या हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से हो या फिर कोई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से हो, हर तरह के पिगमेंटेशन को खत्म करने में काफी इफेक्टिव होती है। इसके साथ ही कैवलिन क्ले के स्किन टाइटनिंग इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अगली क्ले मैं इस रेमेडी में यूज कर रही हूँ वो है फुलर्स अर्थ या मुल्तानी मिट्टी। और ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि सदियों से यूज होता आ रहा है हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, और खास तौर पर ये क्ले आपके टोन को इम्प्रूव करने, स्किन टोन को इम्प्रूव करने, चेहरे का रंग 1 से 2 टोन सुधारने, उसे गोरा करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत अच्छी सूदिंग और कामिंग इफेक्ट इस इंग्रेडिएंट के होते हैं और चेहरे को टोन करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। स्किन टाइटनिंग इफेक्ट मुल्तानी मिट्टी के बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए ये भी वन ऑफ द बेस्ट एंटी एजिंग इन्ग्रीडियंट मानी जाती है। और जब इस मड मास्क में ये बाकी 2 क्लेज के साथ मिलाई जाती हैं तो एक तरह से सोने पर सुहागा वाला काम करती है, और यही रीजन है कि इतने जादुई असर आपको इस रेमेडी के मिलते हैं। अगला इंग्रेडिएंट मैं इस रेमेडी में मिला रही हूँ और वो है एक एसेंशियल ऑयल, और इसका नाम है टी ट्री एसेंशियल ऑयल। टी ट्री एसेंशियल ऑयल मैं यहाँ पर इसलिए मिला रही हूँ ताकि ये उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाए जिनको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या पिम्पल्स की प्रॉब्लम है। और अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं तो भी टी ट्री ऑयल एक बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल ऑयल माना जाता है। इसके साथ ही ये नेचुरली आपकी स्किन को ठंडक पहुंचाता है, तो किसी तरह की हीट या गर्मी आपकी स्किन पर है तो उसे खींचकर बाहर निकालता है और पोर्स को बहुत डीपली क्लीन करता है। तो अगर ओपन पोर्स की आपको प्रॉब्लम है तो उसमें भी टी ट्री ऑयल काफी अच्छी और काफी जल्दी रिजल्ट दिखाता है। अगला इंग्रेडिएंट मैं इस रेमेडी में मिला रही हूँ और वो है एक एक्सट्रैक्ट। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक मैजिकल फेस सीरम शेयर किया था, जिसमें मैंने लिकोरिस और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट यूज किया था। बहुत सारे लोगों ने वो सीरम यूज़ किया है और मेरे पास कई सारे लोगों के फीडबैक्स आए हैं, उसके इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट उनको मिल रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखिए और उस सीरम को आप यूज़ करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप लोग हमेशा मुझसे ये पूछते रहते हैं कि स्किन टोन अनइवन है, डार्क सर्कल्स हैं या फिर काले धब्बे आपकी स्किन पर हैं, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है या और भी कई सारी प्रॉब्लम। इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए वो सीरम काफ़ी इफेक्टिव है और अगर आपने अभी तक उसे यूज़ करना शुरू नहीं किया है
तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि उस सीरम को आप यूज करना शुरू करें। तो वो पूरा सीरम तो नहीं, बट उसमें जो मैंने दो इंग्रेडिएंट यूज किए थे वो थे लिकोरिस और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो उन्हीं का एक्सट्रैक्ट मैं इस रेमेडी में यूज कर रही हूँ, इस मास्क में, इस क्ले मास्क में यूज कर रही हूँ। और लिकोरिस और ग्रीन टी दोनों ही वन ऑफ दी बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट माने जाते हैं। जहाँ लिकोरिस अपनी स्किन लाइटनिंग और वाइटनिंग प्रॉपर्टीज के लिए बेस्ट होता है, वहीं पर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के लिए बेस्ट माना जाता है। और जब ये दोनों ही साथ में यूज होते हैं तो ये आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करते हैं, चेहरे की स्किन को स्मूथ बनाते हैं, सपल बनाते हैं और झाइयों और झुर्रियों को खत्म कर आपको मिलती है बहुत ही सुंदर, बेदाग और खूबसूरत त्वचा। अगला और जो लास्ट इंग्रेडिएंट मैं इस मास्क में मिला रही हूँ वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर भी स्किन टोन को इम्प्रूव करने के लिए, पोर्स को डीपली क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और यही वजह है कि जब भी आप एप्पल साइडर विनेगर अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं तो ये इंस्टेंटली आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, टाइट करता है और बहुत अच्छे स्किन लाइटनिंग इफेक्ट्स भी देता है। तो ये बात हुई सारे इंग्रेडिएंट की, और चलिए अब शुरू करते हैं इस मास्क को बनाना। जिसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ तीनों तरह की क्ले, वेंटोनाइट क्ले, कैओलिन क्ले और फुलर्स अर्थ। ये तीनों तरह की क्ले आपको लेनी है इक्वल क्वांटिटी में, मींस 1 1 टीस्पून में यहाँ पर ये तीनों तरह की क्ले ले लूंगी। और इसमें मैं मिलाऊंगी ऑलमोस्ट 2 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर। अब इन चारों चीजों को आपस में आप मिला दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जिससे कि एप्पल साइडर विनेगर इन तीनों तरह की क्ले में अच्छी तरह से मिल जाए। और लगभग 5 मिनट के बाद आप इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट, जिसमें शामिल है टी ट्री ऑयल जो कि आपको डालनी है सिर्फ 8 से 10 बूंदे, और इसके बाद जो हमने ग्रीन टी और लिकोरिस एक्सट्रैक्ट बनाया है ये एक्सट्रैक्ट आपको इस मास्क में इतना डालना है जिससे कि एक अच्छी कंसिस्टेंसी का पेस्ट आपको मिल जाए। तो ये एक्सट्रैक्ट डालते हुए सारी चीजों को आपस में मिला दें और तब तक मिलाते रहें जब तक कि एक बहुत अच्छा चेहरे पर लगाने लायक मास्क आपको ना मिल जाए। तो अभी हमारा क्ले मास्क या मड मास्क चेहरे पर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे लगाने के लिए आप पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लें और फिर इसके बाद अपने चेहरे और गर्दन पर इवनली फैला लें। इनिशियली जब आप इसको लगाना शुरू करते हैं तो सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत करें। वैसे तो ये मड मास्क 100% सेफ है और किसी भी तरह का साइड इफेक्ट इससे नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब इनिशियली आप इसको लगाना शुरू करते हैं तो सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत करें, मींस सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको अपने चेहरे पर छोड़ें और इसके बाद अपना चेहरा धो लें। धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ाते जाएं और मैक्सिमम 20 से 25 मिनट तक भी आप इसको अपने चेहरे पर छोड़ सकते हैं। वीक में कम से कम 3 से 4 बार आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। अगर ये आपकी स्किन को सूट करता है, आपकी स्किन पर अच्छे इफेक्ट्स दिखते हैं, तो कम से कम 3 से 4 बार इसको जरूर अपनी स्किन पर यूज करें। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसको बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं, बनाकर किसी एयर टाइट जार में रख कर फ्रिज में स्टोर कर लें। ये आराम से 15 से 20 दिन तक रखा रहेगा, खराब नहीं होगा। ये भी इस मास्क की खासियत है और यही वजह है कि जितनी भी DIY रेमेडीज होती हैं उनमें से ये वन ऑफ दी बेस्ट पॉपुलर रेमेडी है, क्योंकि आप इसको काफी दिन तक स्टोर कर अपने पास रख सकते हैं। तो बिल्कुल इस रेमेडी को लगाइए और तैयार हो जाइए जादुई असर अपनी स्किन पर देखने के लिए। फिर चाहे वो स्किन टाइटनिंग इफेक्ट हो, स्किन लाइटनिंग इफेक्ट हो, अपनी स्किन को स्मूथ, सपल, ग्लोइंग और रेडिएंट बनाना हो, रिंकल्स से छुटकारा पाना हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, हर तरह की प्रॉब्लम को ये मास्क टारगेट करेगा और उनसे आपको छुटकारा दिलाएगा। तो इस रेमेडी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसका फायदा ले पाए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई हेल्थ या ब्यूटी रेमेडी आप सभी के साथ शेयर करती हूं, आप उन्हें देख पाएं और उनका फायदा ले पाएं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।